सब बहुत ज़्यादा भावुक हो गए सब लोग, चल उन वो उन लोग इतने भावुक हो गए कि बात करने का मन नहीं था सबका, ये फिल्म थोड़ा आपको उस तरह से भावुक कर देती है। इट्स टू एंड हाफ ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क और दो ढाई साल के बाद जब पिक्चर रिलीज़ होती है तो एक्साइटमेंट आ ही जाता है, एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस है, आई होप लोगों को अच्छी लगे। लेट्स सी हाउ इट्स अ वेरी अप्रोप्रिएट टैगलाइन, वेल थॉट रियली, आई मीन निशिकांत कामत इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट डायरेक्टर ऑफ हिंदी सिनेमा, बहुत ही कमाल की फिल्म एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ लाइफ टाइम फ्रॉम अ वंस इन अ लाइफ टाइम आर्टिस्ट इरफान साहब। इट्स आउटस्टैंडिंग, आई मीन आई डोंट इवन नो व्हाट टू से, इट्स आउटस्टैंडिंग एंड आई थिंक इट्स टू सून फॉर अस टू बी सेइंग एनीथिंग अबाउट द फिल्म। आई थिंक इट्स वन ऑफ दोस फिल्म्स दैट्स गोना स्टे विद अस फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, इट्स गोना गेट ऑल ऑफ अस थिंकिंग and it's going to stir you up emotionally. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और अच्छा लग रहा है कि इतने सारे लोग फिल्म देख रहे हैं और सबको पसंद आ रही है। इरफान खान साहब के बारे में तो सब बात ही कर चुके हैं, आई थिंक निशिकांत कामत जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है, सो आई थिंक आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड एंड उम्मीद करता हूँ कि ये फिल्म लोगों को पसंद आए। ही इज स्प्लेंडेड, ही इज फैबुलस अ पर्सन टू बिगिन विद एंड ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर, सो आई नो व्हाट द फिल्म इज ऑल अबाउट, आई हैव सीन द रशेस एंड आई नो व्हाट द ऑडियंस इज गोना बी एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ इट। आई थिंक इज अ फैंटास्टिक फिल्म, इरफान खान इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स वी हैव बाय फार, उन्होंने जो सीरियस सीन्स में भी कॉमेडी दिया है, इट कीप्स यू कीप्स द सिचुएशन लाइट बट सिचुएशन से दूर नहीं जाते, यू ऑलवेज नो कि फोकस क्या है। It's a well-made film, very well-curated movie, and it was just a fantastic experience. Irfan sir, मेरे चुनिंदा favorite कलाकारों में से एक हैं और ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों, क्योंकि वो इतने बेहतरीन कलाकार हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मदारी के लिए, मैं देखना चाहती हूँ उन्होंने कितना बेहतरीन काम किया है और मैं सब्जेक्ट के लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसके प्रोमोज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे हैं।